खबर छपरा बिहार से, जहां अमनौर पुलिस ने थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का वीडियो वायरल मामले में एसपी के निर्देश पर मंगलवार को देर रात में छापेमारी शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मढ़ौरा डीएसपी के नेतृत्व में मकेर भिंदी व अमनौर पुलिस व एसटीएफ के द्वारा कोसी अमनौर गांव में छापेमारी कर आधे दर्जन से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में ले गए संदिग्ध लोगों से वायरल वीडियो को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही। छापेमारी के बाद गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। उक्त संबंध में बताया जा रहा है कि पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है एवं वीडियो क्लिप को भी खंगाला जा रहा है। वही सारण एसपी संतोष कुमार से अमनौर थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर पत्रकार द्वारा यह जब पूछा गया तो छपरा एसपी संतोष कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। सर, एक गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया, उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या पूरा मामला क्या प्रकाश में आया? एक वीडियो जो है वायरल हो रहा था और उसी क्रम में मेरे पास भी और पुलिस के पास के संज्ञान में भी आई, तो जैसे ही उस वीडियो आने के बाद तुरंत उसकी छानबीन की गई और सत्यापन के दौरान पता चला कि वो अमनौर थाना क्षेत्र की घटना है। तो उस वीडियो के सत्यापन के दौरान जो उसमें गलत कार्य कर रहे हैं उसकी पहचान हो गई है, उसमें जो वीडियो बना रहे थे उनकी भी पहचान हो गई है, उनकी लगातार हम लोग धरपकड़ कर रहे हैं और उसको उससे पूछताछ कर रहे हैं और जो उसमें पीड़िता है और जिनके साथ घटना हो रही है उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और वो सामने भी नहीं आई है। हम लोग पता लगा रहे हैं कि कौन है और बाकी अभी जो विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस अपने बयान पर कांड दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रही है। कितने लोग शामिल थे उस घटना में? अभी तक के जो पूछताछ के दौरान जो जितनी बातें आई है वो अनुसंधान अंतर्गत ही है, तो अभी उसमें हम क्लियर नहीं बता सकते कि कितने आदमी थे, जब तक कि पूरा हम लोगों को पीड़िता ना मिल जाए और उसके जो साथ और लोग थे वो ना मिल जाए। इनके साथ पुलिस कानून सम्मत के आगे कार्रवाई करेगी, जो न्यायालय में इनको त्वरित सजा हो जाए, जो इसमें जो साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल है वीडियो के साथ साथ उसके मोबाइल और उसकी फॉरेंसिक जाँच भी की जाएगी, साथ ही साथ इसमें जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका और जो फोटो वगैरह उसमें से निकाल करके और साक्ष्य उसमें पूरी तरह से किया जाएगा और जो टेक्निकल साक्ष्य है वो भी लिया जाएगा, मोबाइल को भी फोरेंसिक लैब में भेज करके वहाँ से रिट्रीव करके डेटा, क्योंकि उस वीडियो को उसने डिलीट कर दिया बनाने के बाद, तो उसको भी रिट्रीव करके उसको उसमें साक्ष्य के रूप में लगाया जाएगा ताकि उसको सजा भी मिल सके और त्वरित सजा भी मिल सके।